खुशहाली और मस्त मौला जीवन जीने के लिए देश दुनिया में मशहूर बस्तरिया खून की कमी से जूझ रहा है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिले आंकड़े के मुताबिक बस्तर के 80% लोग खून की कमी से जूझ रहे हैं, यानी इनके शरीर में 11 ग्राम से कम खून है। वहीं जब इस आंकड़े में 15 से 49 साल की महिलाओं को अलग करके इनका आंकड़ा दर्ज किया जाता है तो स्थिति और भी भयावह नजर आती है। इन सर्वे के अनुसार 90% ऐसी महिलाओं में खून की कमी पाई गई है। यह आंकड़े प्रदेश में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आंकड़ा चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पहला ऐसा इलाका है जहां के ऐसे हालात है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पीडीएस दुकानों में मिलने वाले चावल में कुछ ऐसे पोषक तत्व तो शामिल किए जाएं जिनमें ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार हो, जिससे लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से नीचे न हो। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे दूरस्थ अंचल में बस्तर के गांव बसे हुए हैं। पूरे बस्तर में गांव से लेकर शहर तक की 80% की आबादी में खून की कमी है, उन्हें एनीमिया है। मंत्री ने कहा कि शरीर में 11 ग्राम से नीचे खून का होना चिंताजनक है। डॉक्टर्स भी यह मानते हैं कि यदि शरीर में 6 ग्राम के नीचे खून है तो वह घातक है। उन्होंने कहा कि मैं जगदलपुर के एक अस्पताल गया था, वहाँ एनीमिया पीड़ित एक बच्चा भर्ती था जिसके शरीर में केवल 2 ग्राम ही खून था। बस्तर में ऐसे कई केस हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हर 3 से 4 सालों में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, यह आंकड़ा उसमें भी दर्ज है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी स्थिति होती होगी, लेकिन हो सकता है कि पहले रिपोर्टिंग नहीं होती हो। सिंहदेव ने कहा कि ऐसे माना जाता है कि बस्तर में अंडा मांस खाने का प्रचलन है, लेकिन यहाँ के लोग अब उनसे दूर हो रहे हैं। वे प्रोटीन हैं, यूथ फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं जो बीमारी का कारण है। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया के सामने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें उन्होंने बताया कि सुकमा जिले के रेगरगट्टा में अलग अलग बीमारियों से ग्रामीणों की मौत हुई है। 4 सालों में 54 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है, जिसमें 2019 में 7, 2020 में 16, 2021 में 9 और 2022 में 22 लोगों की मौत का आंकड़ा है। साल 2020 और 2022 में मृत्यु दर सामान्य से ज्यादा है। सिंहदेव के मुताबिक 20 साल से नीचे के कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 लड़की और 3 लड़के शामिल है। 21 से 40 साल की उम्र वाले में कुल 18 लोगों की मौत हुई है, इसमें 17 पुरुष और 1 महिला है। 41 से 60 आयु वर्ग के लोगों में 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 14 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। सभी की अलग अलग बीमारियों के चलते मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।